और गुलशन जी आए हैं तो उनसे एक डायलॉग तो हम बुलवाएंगे। बैड मैन विशेस द बैड बॉय बेस्ट ऑफ लक। बैड बॉय अमरीन बेस्ट ऑफ लक। जो बात मैंने नीचे बैठकर कही थी क्योंकि मैंने सुनील की बात से पिक किया था, आप भाग्यशाली हो। इस फिल्म में काम करने वाले दूसरे कलाकार भी भाग्यशाली हैं जिन्हें राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री राजकुमार संतोषी, शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड लेजेंड माय ब्रदर, मैं बहुत सीरियसली ये बात करना चाहता हूं कि फिल्मों में रोल दिलाने में, रेकमेंड करने में, सपोर्ट करने में एज ए फैमिली हमेशा न सिर्फ मेरे सभी के पीछे खड़े रहने वाले में मिथुन चक्रवर्ती ज्यादा आभारी हैं हम। मैं नहीं समझता इस मंच पर जितने भी कलाकार खड़े हैं सभी के सभी आपके आभारी हैं, सभी के सभी आपके फैन हैं और सभी के सभी आपकी वर्सेटैलिटी, मिथुन चक्रवर्ती से बेटर डांस करने वाला, एक्शन करने वाला, सीरियस रोल करने वाला, नेशनल अवार्ड विनर्स, अलग अलग तरह की फिल्में करने वाला और एक ऐसा शख्स, एक ऐसा एक्टर जिसने एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी, मिथुन चक्रवर्ती। वी आर ऑल ट्रूली ऑनर्ड टू बी स्टैंडिंग हियर टुनाइट टू सेलिब्रेट द लॉन्च ऑफ आवर सन बैड बॉय। Now, Dada, Papi ji, मैं सब अभी यहाँ आए हुए सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और thank you so much। मैं thank you बोलूँगा भाभी जी को, प्रोड्यूसर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर राजकुमार जी, मेरे चाहने वाले दोस्त अन्ना गोवे, गोवे मतलब गोविंदा, हिमेश अपना गुरु और मेरा बड़ा भाई जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा, भारती, यश, मैं सभी को मैं जहाँ आया सब जुड़े हुए फिल्म में किसी का नाम भूल जा रहा हूँ तो माफ कर दीजिएगा, सभी को थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहूँगा जरूर इस फिल्म में छोटा बेटा तो है लेकिन हर बाप की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ऊपर वाले से मांगने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि मेरे और एक बेटे हैं, मीमो है, उनकी मिसेस है, मदरसा है, भाभी जी हैं मेरी, शीला जी। ये क्या है कि एक परिवार है हम फिल्म में, हम एक से एक के साथ जुड़े रहते हैं। कोई कोई बिखर जाता है, कोई कोई और कहीं चला जाता है लेकिन हम गए नहीं। हम पुराने के जितने स्टार हैं देखिए अभी भी सब जुड़े हुए हैं एक के साथ और हमदर्द रहे हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, इज्जत करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज हो सके ये दोनों को अमरीन और नमोशी को थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए जितने भी हमारे सुपरस्टार्स इस मंच पे खड़े हैं, हमारा मीडिया चाहता है कि एक ग्रुप फोटो हो जाए और एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल इवेंट किए। बॉलीवुड का ये आज इनका फर्स्ट इवेंट है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रेष्ठ मीडिया के लिए। अरे वहां से कैसे फोटो खींचेगा, चल खींच ले चल।
थैंक यू, हैव अ ग्रेट नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, आप सबको ईद मुबारक।